हेलो बच्चों, कम्युनिटी में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था 2 दिन पहले कि व्हाट विल बी द प्लॉयडी ऑफ द एंडोस्पर्म एंड जायगोट इफ द क्रॉस इज मेड बिटवीन ए 6N फीमेल प्लांट एंड 4N मेल प्लांट। तो बेटा इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है जो आपको सीखना है। देखिए यहाँ पर 88% बच्चों ने जो आंसर किया है 8N 5N, ये सही आंसर है। 4% बच्चों ने 5N 8N किया जो कि गलत है। 3% बच्चों ने 10N 7N किया जो कि गलत है। और 5% बच्चों ने 6N 4N किया जो कि गलत है। तो 88% बच्चों का आंसर सही। अब ये NTA के मॉक टेस्ट का क्वेश्चन था, तो चलिए मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या आपसे पूछा गया है? प्लॉयडी ऑफ एंडोस्पर्म एंड जायगोट, फीमेल 6N यानी हेक्साप्लॉयड और मेल 4N यानी टेट्राप्लॉयड। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे? देखिए अगर आपको प्लॉयडी निकालनी है यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको प्लॉयडी निकालनी है बेटा, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं। यहाँ पर एंडोस्पर्म की अगर प्लॉयडी आपको निकालनी है तो एंडोस्पर्म की प्लॉयडी निकालने का तरीका होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है न्यूमेरिकल सीरीज में, कि मेल बाई 2 प्लस फीमेल, मेल की प्लॉयडी को 2 से डिवाइड करिए और फीमेल की प्लॉयडी को जोड़ दीजिए। तो मेल की प्लॉयडी आपको कितनी दी गई? 4N/2 और फीमेल की प्लॉयडी कितनी दी गई? 6N आपको दी गई है। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 2N+6N यानी आपका आंसर आ जाएगा 8N octaploid यानी एंडोस्पर्म की प्लॉयडी 8N हो जाएगी। ये तो हो गया एंडोस्पर्म। अब जायगोट की प्लॉयडी अगर आपको निकालनी, तो जायगोट की प्लॉयडी निकालने का तरीका बेटा ये है कि जायगोट की प्लॉयडी को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? जायगोट की प्लॉयडी अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, मेल की जो प्लॉयडी है बाई 2 प्लस फीमेल की प्लॉयडी बाई 2। इसमें दोनों की प्लॉयडी को 2 से डिवाइड करते हो तो मेल की प्लॉयडी 4N दी गई, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। फीमेल की प्लॉयडी 6N दी गई, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा 2N+3N = 5N। तो जायगोट पेंटाप्लॉयड हो जाएगा और जो एंडोस्पर्म है वो, जो आपको एंडोस्पर्म बताया गया बेटा, ये एंडोस्पर्म अगर आप देखेंगे तो एंडोस्पर्म 8N हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, एंडोस्पर्म की प्लॉयडी 8N आ जाएगी और जो जायगोट की प्लॉयडी है 5N आ जाएगी। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करने का तरीका हो गया। अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ जो कल मैंने आपसे पूछा था। हाँ, ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था, क्वेश्चन ऑफ द डे नंबर 7। ये क्वेश्चन कल मैंने आपसे पूछा था कि PCR is a cyclic process that is used to amplify the DNA fragment. During the amplification, number of cycles generally kept between 30 to 40 cycles. यहाँ पर छूट गया 30 to 40. How many number of DNA strand will be produced if the number of cycles were kept 10? अगर 10 cycle होंगी तब आप कैसे करोगे? तो 10 cycle अगर होंगी तो इसको ऐसे solve करना है बेटा। इसका तरीका आपको मैं सिखा दूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन को आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसको करने का तरीका ये होता है बेटा कि अगर आपको एक डीएनए दिया गया है और 10 साइकिल आपको चलानी, तो एक साइकिल में 2 डीएनए बन जाएंगे, 2 साइकिल में 4 हो जाएंगे, 3 साइकिल में 8 हो जाएंगे, 4 साइकिल में 16 हो जाएंगे, 5 साइकिल में 32 हो जाएंगे, 6 साइकिल में 64 हो जाएंगे, है ना, 7 साइकिल में 128 हो जाएंगे, 8 साइकिल में 256 हो जाएंगे, 9 साइकिल में 512 हो जाएंगे, डबल करते जाना, और 10 साइकिल में आपसे पूछा गया है तो 1024 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 10 साइकिल में 1024 हो जाएंगे। तो आप देखिए 88% बच्चों ने 89% बच्चों ने 1024 आंसर किया और यही करेक्ट आंसर है। बाकी 3% बच्चों ने 512 किया, 4% बच्चों ने 20 किया, 4% बच्चों ने 256 किया जो कि गलत है। 1024 इतने डीएनए बनेंगे अगर हम 10 बार साइकिल को रिपीट करें, 8 बार, 9 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार पूछा जाए आप एक डीएनए से स्टार्ट करिए और हर साइकिल के बाद उसको डबल करते चले जाइए, आपको अपना आपका आंसर मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे और आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है बेटा, है ना, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर किया भी होगा, है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, है ना। तो अब इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन हो कल मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल आप देखिए 335 बच्चों ने वोट किया है ए ऑप्शन के लिए, 1% बच्चों ने, बी ऑप्शन के लिए 74% बच्चों ने, सी ऑप्शन के लिए 25% और डी ऑप्शन के लिए करीब 1% बच्चों ने वोट किया है।
तो ये अभी आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे नंबर 8। तो इसका एक्सप्लेनेशन कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।